आज मेरा फास्ट है तो मैं अपने लिए कुछ नहीं बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ कटलेट्स, जो राइने के टिफिन में भी जाएंगे और बाकियों के ब्रेकफास्ट के लिए भी होंगे, तो ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने वाली हूँ। और आज मैं इन कटलेट्स में शिमला मिर्च का भी यूज़ करने वाली हूँ। बेसिक पोटैटो कटलेट्स हैं। राहिनी को ये कटलेट्स वीक में एक बार, वो भी सिर्फ ब्रेकफास्ट में, एज इन जो उसका लंच होता है या फिर अगर उस दिन छुट्टी हो तभी मिलते हैं। इसके अलावा वीक में वापस से ये चीज़ उसके लिए नहीं बनती है। आपके भी घर में कोई तो एक चीज़ होगी जो रेगुलरली हर हफ्ते में भी ब्रेकफास्ट में या फिर लंच में बनती ही है, फिर भले ही वो हर हफ्ते एक दिन बने। कौन सी ऐसी चीज़ है आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करें, नाम बताएं। अब नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने सोचा कि इसे ग्रेट करके डाल दी, और मेरे पास चॉप्ड शिमला मिर्च ऑलरेडी थी, मुझे यूज़ भी करनी थी और इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट तो शिमला मिर्च राहिनी नहीं खाएगा। शिमला मिर्च को यहाँ पर चॉप भी किया जा सकता है चॉपर में, पर उसके ज़्यादा मोटे पीसेस होंगे, राहिनी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैं ग्रेट कर रही हूँ। ये क्या है? ग्रीन? ग्रीन। कैप्सिकम। दिस इज कैप्सिकम। कैप्सिकम। गुड मॉर्निंग। लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्ची, और फिर मसाला मैं डालने वाली हूँ छोले मसाला। मोस्टली जो मसाले हैं मैं रेडीमेड यूज़ करती हूँ। बिरयानी का एक मेरा अलग मसाला होता है जो मैं मेरा वाला ही यूज़ करती हूँ जब प्रॉपर दम बिरयानी बनाती हूँ। छोले मसाला, कभी पाव भाजी मसाला, चिकन मसाला, किचन किंग, या फिर जो सांभर मसाला है वो भी काफी अच्छा लगता है। ये किसने किया? मैंने किया। इन कटलेट्स की बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ ज्वार का आटा। काफ़ी सारा एक्स्ट्रा मॉइस्चर भी वो अब्सॉर्ब कर लेता है, हेल्दी भी होता है। बस ज्वार का आटा अगर आप ही यूज़ करते हैं तो कच्चा ना यूज़ करें, पहले ही रोस्ट करके रख लें, या फिर आप चाहें तो रोस्टेड जो चना दाल आती है उसकी पाउडर बनाकर रख सकते हैं और उसे भी बाइंडिंग में यूज़ कर सकते हैं। आज मुझे ज़्यादा कटलेट्स बनाने हैं इसलिए मैं नॉर्मल सर्कल वाले ही बना रही हूँ, हार्ट शेप नहीं बना रही। बचे हुए रोस्टेड ज्वार के आटे से मैं बाइंडिंग के लिए पेस्ट बनाऊंगी, तो जो बैटर होगा वो ज्वार के आटे का होगा और कॉर्नफ्लेक्स जो मिक्सी में मैंने पीसा है उसकी क्रिस्पी कोटिंग। मीडियम कंसिस्टेंसी है, मतलब थोड़ा सा पतला ही है बट एकदम पतला नहीं है, तो ज्वार के आटे के साथ ये कंसिस्टेंसी काम कर जाती है। कॉर्नफ्लेक्स मैं बाइंडिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और यूज़ करने के बाद अगर उसमें कुछ लिक्विड यानी बैटर गिर गया है तो उतना हिस्सा निकाल के वापस से बचा हुआ मैं डब्बे में डाल के अपने रेफ्रिजरेटर में स्टोर करती हूँ। राहिने का इन कटलेट्स के लिए अच्छा टेस्ट डेवलप हो गया है, अलग अलग सब्जियां उसे चल जाती है, तो मे बी आफ्टर सम टाइम मैं एयर फ्रायर पर स्विच करूंगी या फिर ओटीजी में इन्हें मैं बेक करूंगी और फिर राहिने को खिलाऊंगी। What happened? This is cutlet. Yes, just a moment. तुमको खाना है ना ये? Why do I care? मैंने कवर कर दिया। ये देखो ऐसे। ऐसे? कॉर्नफ्लेक्स। टेस्ट करना है ना, करो इसमें से करो, यहाँ पे हाथ में। ये क्या कर रहे हो? मैं फिंगर दिखा रहा हूँ लाइनिया को। पूरा पानी खत्म हो गया, पूरा पानी खत्म हो गया, पूरा भरो। Thank you.
मम्मा अच्छी लगती है खाना ज्यादा खाना है। पहले इतना फिनिश करो। इधर बैठ के नहीं, टेबल चेयर पे, यहाँ नहीं। ज्यादा दो। ये गोवा वाली मैक्रोनी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। अगर आप हमेशा से मेरे ब्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं गोवा से लेकर आई थी। क्यूट से छोटे छोटे लूप्स हैं, तो इन्हें मैं बनाने वाली हूँ पालक की प्यूरे के साथ। जिसके लिए सबसे पहले मैं ब्लांच कर रही हूँ थोड़े से पालक के पत्ते, और पालक का पेस्ट बनाऊंगी और उसका ही सॉस होगा मैक्रोनी का। अच्छा टेस्ट भी ऐड हो जाएगा और पालक भी आ जाएगा। अब इसी पानी में मैं बॉयल कर रही हूँ मैक्रोनी। ये मैक्रोनी जल्दी बॉयल हो जाती है और इसे छान कर फिर मैं तड़का देती हूँ। चना रात भर भिगोकर फिर अब बांध के रखेंगे तो उसमें अंकुर आ जाते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के मैं स्टीम करूंगी और आज सैलेड में इसका यूज करूंगी। तो थोड़ा सा नमक और हल्दी अच्छे से मिक्स करें। सैलड में आप कच्चे चने भी यूज कर सकते हैं, पर हमें जरा बॉईल या फिर स्टीम किए हुए पसंद है, इसलिए मैं स्टीम कर रही हूँ इसे 7-8 मिनट के लिए तेज आंच पर। साथ ही अब मैं राहिने के पास्ता को तड़का दे रही हूँ। हल्दी, पालक की प्यूरे, थोड़ा सा तेल और कोई भी मसाला डाल के जो हैंडी हो। चीज मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पर, मैंने सांभर मसाला यूज किया है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है पास्ता में। राहिनी की मैक्रोनी रेडी है। आज छुट्टी है तो उसे मैं ये प्लेट में डालकर दे रही हूँ, टिफिन में नहीं। बट अदरवाइज टिफिन में देने के लिए भी अच्छा होता है। पैकेट तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, थोड़ा सा ही बचा है, देखती हूँ वो भी एक दिन यूज कर लूंगी। अदरवाइज जब नेक्स्ट गोवा ट्रिप होगी या फिर ऑनलाइन मंगाऊंगी अगर राहिनी ने कहता है तो। आप दिखाओ ना इसमें। चने बढ़िया से स्टीम हो गए हैं, ऐसे ही खाने में अच्छे लगते हैं। आप सिर्फ टमाटर प्याज डाल के भी इन्हें खा सकते हैं, मतलब थोड़ा चाट मसाला वगैरह के साथ। मैं बना रही हूँ सैलेड, तो सबसे पहले इस छोटे ग्लास जार में मैं डाल रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक। इसमें जाएगा एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा नींबू का रस, नमक, चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी पिज्जा सीजनिंग और शहद। आज की सीजनिंग में मैं मेयो नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सा टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, बट उसके बिना भी सीजनिंग काफ़ी टेस्टी लग जाती है। जो खटास है, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल का टेस्ट है, उसके साथ साथ शहद की मिठास से काफ़ी अच्छा बैलेंस आ जाता है। और हम लोगों को थोड़ा चटपटा बन चाहिए होता है, इसलिए मैं चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर पिज़्ज़ा सीजनिंग को स्किप कर सकते हैं, बस बॉटल का ढक्कन लगाएं और अच्छे से शेक कर लें।
यह आइसबर्ग लेटस जो सूखे पत्ते हैं मैं निकाल रही हूँ और फिर इसे अच्छे से धोकर मोटे मोटे पीसेस में मैं चॉप करूंगी। लेटस रेडी है, इसमें जाएंगे स्टीम किए हुए चने। आप इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें डाल सकते हैं जैसे कि टमाटर, प्याज। सैलेड हाथ से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाता है, तो अच्छे से हैंड वॉश करके आप मिक्स कर सकते हैं ताकि ड्रेसिंग जो है अच्छे से और जल्दी से सैलेड में मिक्स हो जाए। तो ये टेस्टी क्रंची सैलेड रेडी है। आज मैं बनाऊंगी झटपट पालक का साग, तो थोड़ा सा साग और रोटी राहिनी के टिफिन में, और हमारे पराठे के साथ भी ये साग होगा। तो राहिनी अलग से सब्जी और रोटी नहीं खाता है, पर मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में देना चाहिए क्योंकि बच्चों की आदतें बदल जाती है, स्कूल में भी वो देखा देखी में सीख जाते हैं। अदरवाइज उसे पालक का पराठा पसंद है, स्टफ करके या फिर गूंद के या फिर छुपा कर सब्जियाँ वो खा लेता है, पर सब्जी रोटी की भी मुझे उसे आदत डालनी है। तो पालक ब्लांच करके इसका मैं एक प्यूरे बनाऊंगी। पालक का ये साग आज मैं देने वाली हूँ उसे फुलके के साथ, तो बहुत दिनों के बाद पराठा ना होकर आज प्लेन फुलका होगा। नॉर्मली प्याज टमाटर अलग से पीसती हूँ, पर आज केवल ये टमाटर मैं पालक के साथ ही पीस रही हूँ। तड़का लगाया हुआ ये सिंपल सा कम मिर्च वाला साग रेडी है।
इसका। रुको दिखाती हूँ, ये रोटी तोड़ के दे रही हूँ मैं तुम्हारे लिए। इसमें क्या सब्जी? नहीं डालूंगी, ये देखो ये है सब्जी। जानबूझकर मैं रोटी के टुकड़े करके ऐड कर रही हूँ टिफिन में ताकि जल्दी ये खा ले। पालक का साग घी में तड़का लगाने के बाद काफी अच्छा लगता है, और जब ऑलमोस्ट पालक का साग बन जाता है तो ऊपर से भी अगर आप थोड़ा सा घी डालेंगे तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। हमारे नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ सिंपल सा लच्छा पराठा जो घी में सेकूंगी। अच्छे से सेक कर एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लेयर्स के साथ ये जो पराठा बन जाता है बड़ा बढ़िया लगता है। पत्ता गोभी मैंने ऑलरेडी ग्रेट करके रखी थी, इसके मैं पराठे बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनते हैं। पत्ता गोभी को तड़का देके उसमें हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और आखिर में बेसन। कच्ची पत्ता गोभी की स्टफिंग से भी मैं पराठे बनाती हूँ, पर हमारे घर में ये बेसन के तड़के वाला पराठा सब पसंद करते हैं। आप भी ट्राई करें, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है।
राहिनी के लिए मैं बना रही हूँ छोटे साइज के दो पराठे। ये स्टफिंग अच्छे से भर के अच्छे से पक गई है। पत्ता गोभी तो बहुत ज़्यादा क्रंच नहीं आएगा तो राहिनी को इतना पता नहीं चलेगा, और बेसन से बहुत अच्छा स्वाद ऐड हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से भी पत्ता गोभी का पराठा बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी मम्मी इस तरह से पराठे बनाती है और अब मैं भी बनाती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे बनते हैं। हमारे लिए भी नाश्ते में यही पराठे हैं बड़े साइज के। ये इतने टेस्टी होते हैं कि इनके साथ आपको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर आप शेजवान चटनी या फिर किसी भी चटनी के साथ इन्हें परोस सकते हैं, या सिर्फ चाय के साथ भी आप इन्हें खा सकते हैं। हमारा ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट व्लॉग देखने के लिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।